अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे सिंपल हनी बर्न्स। ये बहुत ही इजी और फ्लेवरफुल बर्न्स बनते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। हाफ कप वार्म वाटर लीजिए, नीम गर्म पानी लीजिए। हमें एकदम बॉइलिंग वाटर नहीं चाहिए, बस हल्का गर्म हो। हाफ टी स्पून एक्टिव ड्राई यीस्ट डालिए, खमीर डालिए, जो सूखा वाला आता है ना, एक्टिव वाला, वो डालिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून शुगर, शक्कर डालिए। एक बार अच्छे से स्पून से मिक्स करके लीजिए और उसको कवर करके हम 5 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। एक बड़ा बाउल लीजिए, उसमें 2 कप्स ऑल पर्पस फ्लावर मतलब मैदा लीजिए और मैदे को हम छान के लेंगे। छलनी से उसको अच्छे से छान के लीजिए। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे, नमक डालेंगे। अब एक बार अच्छे से मिक्स करके लीजिए नमक और मैदे को। अब एक दूसरे बाउल में एग लीजिए और वो रूम टेम्परेचर होना ज़रूरी है। 1/2 टीस्पून हनी डालिए, शहद डालिए। मैंने डाबर हनी यूज़ किया है, आपको जो चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से अंडा और हनी के मिक्सचर को फेट कर लीजिए, बीट करके लीजिए। अब हम अपना एग और हनी वाला मिक्सचर मैदे वाले बाउल में डालेंगे और उसको अच्छे से स्पून से मिक्स करके लेंगे। अब हम अपना यीस्ट वाला मिक्सचर चेक करेंगे। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और अपना यीस्ट एक्टिव हो चुका है। अब उसको एक बार अच्छे से मिक्स करके लीजिए। अब हम थोड़ा थोड़ा करके अपना यीस्ट मिक्सचर मैदे वाले बाउल में डालते जाएंगे और अच्छे से स्पून से उसको मिक्स करते रहेंगे। हमने सारा मिक्सचर डाल दिया है, अब हम उसको अच्छे से आटे की तरह गूंदेंगे। हाथ से उसको गूंदना है हमें, कंटिन्यू 5 मिनट हम उसको गूंदेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए अब ऐसी कंसिस्टेंसी है अपने आटे की। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून अनसॉल्टेड बटर मतलब घी, सॉफ्टेंड घी हम डालेंगे और उसको अच्छे से 15 मिनट्स के लिए गूंद कर लेंगे। ये पहले तो आपको स्टिकी लगेगा पर बाद में ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए 10 मिनट बाद ऐसा लुक है उसका। अच्छे से उसको गूंद कर लीजिए। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल वाला हाथ लिया है और मैंने अपने पूरे आटे को लगा के लूँगी। ये देखिए ऐसे आप उसको लगा के ले लीजिए, क्योंकि हमें इसको अभी पफ करने रखना है, मतलब डबल होने तक हम उसको ढक कर रखेंगे 2 घंटों के लिए। ये देखिए अपना आटा डबल साइज़ में हो चुका है, कितने अच्छी तरह से फूल चुका है। ठीक है, अब हम इसको वापस से गूंदने वाले हैं। अपने आटे में थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कीजिए और उसको अच्छे से 5 मिनट के लिए वापस गूंद कर लें। ये देखिए हमने उसको अच्छे से मिक्स करके ले लिया है। अब हम अपने बड़े वाले बाउल के 2 हिस्से करेंगे, हाफ डिवाइड कीजिए। ये देखिए मैंने उसके 2 बॉल्स बना के ले लिए हैं बड़े वाले। ये देखिए हमें उसको थोड़ा ऐसे फ्लैट करना है, फिर वापस से हम उसको रोल आउट करेंगे। ठीक है, अच्छे से उसको रोल करके लें। अब हम उसको इक्वली कट करके लेंगे। ये देखिए मैंने उसको लॉन्ग ऐसे बेल कर लिया था, फिर हम मैंने इसके स्मॉल इक्वल कट्स करके ले लिए हैं। अब हम ये जो छोटे छोटे बॉल्स हैं उनको अच्छी तरह से बर्न्स के जैसे शेप देंगे। एक स्मॉल वाली बेकिंग ट्रे ले लीजिए। ये देखिए मैंने एक प्लेट ली है, उसके ऊपर मैं रखूँगी बटर पेपर और हम जो ये अभी बॉल बनाए हैं बर्न्स के जैसे उनको हम रखेंगे। अब हम इसको कवर करके रखेंगे 1 घंटे के लिए। ठीक है, ऐसे ही आप कपड़ा लीजिए या तो फिर कोई भी बड़ी वाली लीड रखे और उसको कवर करके रखें। ये जो दूसरा वाला बॉल है मैंने उससे भी अपने स्मॉल बॉल्स बना के लिए और 10-12 बर्न्स आराम से बनते हैं। अपने बर्न्स फूलने तक, डबल साइज़ होने तक हम एक एग बीट करके रखेंगे, हमें एग वॉश के लिए चाहिए उनके ऊपर लगाने के लिए। ये देखिए 30 मिनट हो चुके हैं, आधा घंटा हो चुका है। अब हम एग वॉश करेंगे। एग में डिप कीजिए ब्रश को और अच्छे से एग वॉश अच्छे से लगाइए अपने बर्न्स के ऊपर।
अब हम इसके ऊपर वाइट सीसम सीड डालेंगी, मतलब सफ़ेद तिल डालेंगी। थोड़े थोड़े स्प्रिंकल कीजिए सफ़ेद तिल को अपने बर्न्स के ऊपर। वापस से हम और 30 मिनट्स के लिए हम ऐसे ही कवर करके उसको रखेंगे फूलने के लिए। तब तक हम बेकिंग की तैयारी करके लेते हैं। एक बड़ा वाला पॉट लीजिए, उसके अंदर ऐसा वाला एक स्टैंड रखिए और हम प्री हीट करेंगे 15 मिनट्स के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से एक घंटे बाद फूला है, डबल साइज़ हो चुकी है इनकी। अब हम इसको बेक करने के लिए अपने पॉट में डालेंगे। संभल कर रखिए, ट्रे के साथ प्लेट के साथ हम रखेंगे अंदर। अब हम कवर करेंगे और टोटल 25 मिनट्स हमें बेक करना है। फर्स्ट 15 मिनट्स के बाद हम अपना ढक्कन ओपन करके देखेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से क्रैक हो चुके हैं, इसका मतलब बहुत अच्छी तरह से बेक हो गए हैं। अब हम थोड़ा कलर आने के लिए और थोड़ा रखेंगे उसको बेक करने के लिए। थोड़ा सा ऑयल ब्रश कीजिए अपने बर्न्स के ऊपर। अब हम उसको वापस से कवर करेंगे और 10 मिनट्स हम और बेक करेंगे। देखिए टोटल 25 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम अपने जो बेकिंग डिश है उसको बाहर निकाल के ले लेंगे, अपने ट्रे को बाहर निकाल के ले लें। अभी गर्म है, वार्म है, तभी ही हाफ टी स्पून ऑयल थोड़ा ब्रश करके ले लीजिए। इससे बहुत अच्छी शाइन आती है अपने बर्न्स में। अपने बर्न्स रेडी है, ये देखिए कितने सॉफ्ट टेक्सचर है उनका। बहुत जल्दी अपने सिंपल हनी बर्न्स रेडी हो चुके हैं। आप अपने बर्न्स को एज ए सैंडविच के जैसे चिकन बर्गर, आलू टिक्की, मटन शामी कबाब, जो चाहे वो आप उसमें फिलिंग भरिए और सर्व कीजिए। सबसे पहले हमारे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ इसे आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। डिलीशियस।